कैसे पहचानेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे युवा साथियों को स्पेशली आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों में गर्म जोश बहुत है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहूंगा कि भाइयों बहनों, आप सब बाबा साहब के बच्चे हैं। वो दिमाग से काम लेते थे, गर्म जोशी से नहीं। वो दिमाग से आगे अपना मूवमेंट को बढ़ाते रहे, अपने समाज को तरक्की देने के लिए करते रहे काम। साथियों, ये आपको अब दिमाग से सोचना होगा, दिल से नहीं। आपके बीच में जो बहरूपी है वो किस तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करते। साथियों, वो बहरूपी नीला पटका पहन के आएंगे। वो साथियों बहुजनों की बात करेंगे। साथियों, वो आपसे बहन जी की भी बात करेंगे, वो बात करेंगे बाबा साहब की, वो आपके हकों की बात करेंगे। परंतु साथियों, जब बात वोट डालने की आए, जब बात आपके साथ संघर्षों में खड़े होने की आए, तब वो आपके नहीं, आपके अपने नेता की नहीं, विरोधी पार्टियों के नेताओं की बात करेंगे। बताएंगे किस तरह कांग्रेस, बीजेपी, उनके छोड़े हुए चमचा लोग, वो किस तरह उनके नेता। आप लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। और ये बहरूपिए ऊपर से लेके नीचे तक हर स्तर पर मिलेंगे, हर मोड़ पर मिलेंगे आपको गुमराह करने के लिए। तो कभी कोई बहरूपिया आपको कार्यकर्ता के रूप में दिख जाए, कोई बहरूपिया आपको पदाधिकारी के रूप में मिल जाए, परंतु साथियों, आप इन बहरूपियों को पहचान कर इनको सतर्क ना करना, इनको कभी मत पहचानना, इन्हें कभी मत बताना कि आप इन्हें पहचान चुके हो। क्योंकि साथियों, आपको अगर आपने इनको बता दिया कि भाई तुम धोखेबाज, तुम गद्दार, जो हमारे बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए यहाँ बीच में बैठे हो, तो ये साथियों सतर्क हो जाएंगे, ये अपना रूप बदल लेंगे, फिर से यहाँ से उठ के दूसरी जगह चले जाएंगे। तो आप लोगों को इनसे संभल कर रहना होगा। साथियों, इन्हीं कुछ मुद्दों को मैं फैलाने का काम किया, ऐसे ही गुमराह करने का काम किया। इसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी मुद्दा किताबों का। बहुत से नेता लोग डरते हैं बोलने में किताब, परंतु मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी, हमारी बहुजन समाज पार्टी, किसी धरना सेठ के पैसे पे नहीं, अपने कार्यकर्ता के धन से। साथियों, आप जानते होंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में, आप लोगों ने उसकी खबरें जरूर सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ जरूरी बातें उसके बारे में बताता हूँ। साथियों, पिछले 6 सालों में इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा 25 राज्य चंदा लिया, 16,500 करोड़ रुपए अपने राजनीतिक दलों को चलाने के लिए। परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में सब लोगों का नाम निकला, बीजेपी का नाम निकला, कांग्रेस का नाम निकला, हमारे समाजवादी पार्टी लोगों का नाम निकला, परंतु एक पार्टी थी जिसका नाम नहीं था। आपको पता है किसकी पार्टी थी वो? आपके चंदे से चलने वाली पार्टी है वो, आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी है वो। साथियों, आगे भी लड़ते रहेंगे और मेरे को पता है हमारे लोग दबी आवाज में ही सही, पर आज मैं मन से बोलता हूँ, अपने किताबों के बोझ को नहीं मानते। वो कहते हैं भैया ये किताबों का बोझ नहीं, ये किताब मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इस किताब के बलबूते पे मेरा मूवमेंट आगे चलता है, बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ता है, बहन जी के हम हाथ मजबूत करते हैं। तो साथियों, ये जो बहरूपिए, ये जो नीला पटका लगा के आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, इन्हें अगली बारी सही में मुंह पे तमाचा लगा के बोलिएगा कि किताब कर्तव्य है मेरा और तुम जैसे लोगों को हमें, हमारे समाज में बीच में रहने की कोई जरूरत नहीं। ये तो रही बात बहरूपियों की,
रही बात नाटकबाजों की, अब बात करते हैं चुनाव में जो पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करने वाली है। साथियों, इसमें से एक पार्टी है जो पिछले 10 साल से सत्ता में आसीन है, 10 साल से वो केंद्र की सरकार चला रही है। अब समय आ गया है कि आप बंद कर करके नहीं, इनके मीठे बातें सुन के नहीं, शिक्षा पर हम बात करेंगे, सुरक्षा पर, और हम बात करेंगे रोजगार पर। साथियों, ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिसकी बदौलत हम आज यहाँ पर खड़े। इन्हीं तीन मुद्दों को लेकर बहन जी ने संघर्ष किया और आज हम जैसे लोग इतनी बड़ी जनसभा रख पा रहे। साथियों, पहला मुद्दा शिक्षा का है। हमें बीजेपी की सरकार से अब पूछना होगा कि भाई पिछले 10 सालों में क्यों इतनी पेपर लीकों की खबरें आती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।